नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में हुए दोस्तों पुल हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर आज शाम राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। कल से लेकर अब तक इस हादसे की 10 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, रविवार शाम 7 बजे हुए इस हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में सबसे ज्यादा 47 बच्चे हैं जिनकी नदी में डूबने से मौत हो गई है। वहीं दोस्तों आईजी अशोक यादव ने बताया कि पुलिस ने सोमवार 31 अक्टूबर को मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करके दोस्तों 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भारत के शीर्ष फॉरेंसिक प्रयोगशाला से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक मोरबी में मच्छू नदी पर बना यह पुल लोगों की भारी भीड़ जुटने की वजह से टूटा है। ब्रिटिश काल के दौरान बना यह पुल पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि फॉरेंसिक विभाग से जुड़े अधिकारियों ने गैस कटर से पुल टूटने के नमूने इकट्ठा किए हैं। उन्होंने पाया कि पुल लोगों को भारी भीड़ की वजह से टूट गया। सूत्रों के मुताबिक भारी भीड़ की वजह से पुल की संरचना पर काफी प्रभाव पड़ा और वह कमजोर होकर टूट गया है, जिसकी वजह से इतनी लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद से लेकर अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के लगभग 300 जवान तैनात किए गए हैं। इंजीनियर स्टोर से लैस सेना के टुकड़ियां बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नौसेना, तटरक्षक बल के साथ काम कर रही है। वहीं सेना ने अपने बयान में बताया कि हादसे के बाद शाम 8:40 पर सेना को डिप्लोमेंट का आदेश मिला और 9:30 सेना का पहला कोलम हादसे की जगह पहुंच गया, बचाव अभियान शुरू कर दिया था। वहीं हादसे वाले इस पुल की मरम्मत ओरेवा समूह ने की थी, जो गुजरात का एक घड़ी निर्माता समूह है। ओरेवा समूह ने सदी पुराने पुल की मरम्मत की थी। मरम्मत के लिए 7 महीने लगे थे। 26 अक्टूबर को यह पुल खुला था, लेकिन 5 दिन के बाद ही पुल टूट गया है और इस हादसे में सैकड़ों लोग लापता हैं। 141 की मौत हो गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संपर्क में है।